होशंगाबाद में आजादी के 70 साल बीत गए, लेकिन जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों के हालात आज भी गुलामी से बदतर है। ऐसा ही एक गांव होशंगाबाद मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत बेहराखेड़ी का सुपरली गांव का है। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला मार्ग साल के 8 महीने कीचड़ और दलदल से सना रहता है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली पक्की सड़क आज तक नहीं बनी है। शहर पहुंचने के लिए लोगों को 11 किलोमीटर घूमकर दूसरे रास्ते से 31 किलोमीटर जाना पड़ता है। यही कारण है कि यहां के अधिकांश युवाओं की पढ़ाई छूट गई है या वे उच्च स्तर की पढ़ाई शहर जाकर नियमित नहीं कर पा रहे हैं। गांव वालों की माने तो 3 सालों में 5 लोगों की जान भी कच्ची सड़क ने ले ली है। गांव के नौजवान सड़क के कारण बेरोजगार हो रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। कच्ची सड़क को बनाने के लिए सालों से जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के चक्कर लगाने वाले गांव के लोगों में अब गुस्सा पनपने लगा है। गांव के लोग अब जल्दी सड़क न बनने पर आंदोलन करने पर उतारू है। गांव के लोगों ने बताया कि बरसात आने के पहले 4 माह का राशन एकत्र गांव में ही करते हैं, क्योंकि इन दिनों ग्रामीणों का गांव से निकलना संभव ही नहीं होता। गांव में लगभग 250 से अधिक लोग निवास रहते हैं और सभी ने विधायक, सरपंच और जनपद के अधिकारियों को लिखित में आवेदन दिया, पर आज तक उनकी समस्या का हल नहीं निकला। मुख्य सड़क पर गांव आने के लिए बोर्ड तो शासन ने लगाया है, लेकिन जब कोई इस मार्ग से आता है तो कीचड़ में फंसकर परेशान हो जाता है। 2 किलोमीटर की सड़क बरसात में दलदल बन जाती है, गांव तक कोई वाहन नहीं जा सकता है। जिला पंचायत सीईओ मनोज सयाम ने बताया कि सुपरली गांव के ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं और सड़क समस्या को शिकायत सामने आई है। इस संबंध में जानकारी मांगी जा रही है। अब तक गांव में सड़क क्यों नहीं बनी इसका पता किया जाएगा। जल्दी सड़क बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत सिंह राजपूत है। ये कौन सा गांव है और यहाँ क्या परेशानी है आपको इस सड़क से? ये ग्राम पंचायत बेहराखेड़ी में सुपरली गांव है। यहाँ अब अभी तक रोड नहीं बनी और इससे बहुत परेशानी होती है। युवाओं के लिए भी कोई रोजगार जाना हो, होशंगाबाद कहीं भी जाना हो, तो हमें 11 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। ये नॉर्मली 2 किलोमीटर का रास्ता है, पर हमेशा 8 महीने ही यहाँ पर कीचड़ बनी रहती है। इसके कारण हम यहाँ से जा नहीं पाते हैं और कोई भी समस्या हो तो हमें यहाँ से 11 और 11 22 किलोमीटर का फेर खाना पड़ता है। कोई भी जैसे समस्या हो तो हम इधर से घूमकर 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर जाते हैं और काम करने के लिए हमें होशंगाबाद जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी भी है और उसमें हम घूम कर जाते हैं तो यहाँ से पेट्रोल ही इतना लग जाता है, जितना हम कमा नहीं पाते हैं उससे आधा तो हमारा पेट्रोल लग जाता है। और बेरोजगारी निरंतर बढ़ते जा रही है और ये रोड मार्ग निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसके कारण हमें बहुत आफत पड़ रही है। और आपने किसी को इसके बारे में शिकायत की या बताया इस विषय में, या विधायक या सरपंच को? इसके लिए हमने विधायक जी को भी बताया, सरपंच साहब को भी बताया। सरपंच साहब भी हमारा काम करते हैं, विधायक सर को भी बहुत बार हमने एप्लीकेशन दे चुके हैं, नोटिस भी दे चुके हैं, बोलते हैं हाँ काम चल रहा है, हम कर रहे हैं इस पर काम। उसके अलावा और कोई सुझाव आता नहीं है इसके लिए। बस हम तो जब से देख रहे हैं यही होते जा रहा है कि हाँ काम होगा, ये बन सकता है रोड, ऐसे ही सुनने को मिलता है हमें हमेशा। जैसा कि आपने मुझे अभी अवगत कराया है, निश्चित रूप से यह बड़ा गंभीर विषय है। जैसा कि आपने मुझे पिक्स दिखाए हैं उसमें बहुत सारे कीचड़ और बहुत सारे गड्ढे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार यह रोड PWD द्वारा बनाया जाना था, लेकिन PWD द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया। किन कारणों से नहीं बनाया इसकी जांच करवाता हूं मैं, और किन कारणों से विलंब हुआ है इसमें जिम्मेदारी फिक्स करके संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कराएंगे। सर लगातार ग्रामीण क्षेत्र में आता है और बेहराखेड़ी से सुपरली लगभग सिर्फ 2.5 किलोमीटर का रोड है और वहाँ के बच्चे भी यानी स्कूल आने में ज़्यादा दिक्कत जा पा रही है। लगातार ग्राम में परेशान है, गाँव की स्थिति सुपरली की जैसे गंदगी का आलम हो तो वहाँ के सरपंच सचिव ध्यान देने वाला सर। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, इस रोड को तो दिखवाऊंगा ही मैं, निश्चित रूप से उसमें जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। और बाकी अगर यदि सचिव या सरपंच की लापरवाही होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ ग्रामीणों ने भी कहा है कि कुछ मौतें भी हो चुकी है सर, ब्लड प्रेशर और यानी योजना का भी फायदा उन लोगों को नहीं मिलता है सर की वजह से। जी हाँ, मैं यदि ऐसी बात है तो समग्र रूप से मैं जाँच करवाऊँगा और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, है ना।